मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। राजस्थान के ग्राम पंचायत का जो चुनाव है लगातार उसका प्रचार प्रसार जारी है और लगातार सियासत गरमाई हुई है। जिला परिषद की अगर बात करें तो यहां पर दो पार्टियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है और ये लड़ाई कितनी मजबूत और कितनी धारदार होने वाली है वक्त बताएगा, क्योंकि इस बार यहाँ का जो दलित वोट बैंक है, जो मैं लगातार आपको बताता रहा हूँ, वो भी निर्णायक भूमिका में होगा, क्योंकि यहाँ पर 25 से 30 हज़ार जो दलित वोट हैं वो भी एक अहम भूमिका अदा करने वाले हैं। इसी को लेकर के जो बसपा पार्टी है उन्होंने भी अपने टिकट बांटे हैं। यहाँ से हमारे साथ बलजीत नंबरदार जी जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि वार्ड नंबर 3 से जिला परिषद के भावी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है, कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है, अब ये जनता के दिलो दिमाग में कितनी जगह बना पाएंगे वक्त बताएगा। जनाब, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव प्रचार, किस तरीके से कर रहे हैं, लोगों का कैसा साथ आपका मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वक्त मिल रहा है और बिरादरी की सेवा करी, पब्लिक में घूमता फिरता रहा, इसीलिए हमको टिकट मिला है। हमने कोई खाना कमाना काम ना करो, हमने तो बिरादरी की सेवा में ही लगा रहा है शुरू शुरू आखिर तक। सब भाई हमारे साथ रहेंगे, इनकी मदद रही है। एमएलए साहब ने हमको टिकट दे दिया और अब भी हमारे सब गांवन के इलाके के सारे आदमी जो क्षेत्रीय हैं वो तो बहुत रात दिन ये कर रखी है और बाहर गाँव का भी मदद कर रहे हैं। और हम पाटवाड़ा का सारा गाँव उनमें तो हम घूम लिया, आज हो जाएंगा सारा, कल से हम दौलतवाटी में निकलेंगे। तो और भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और भी प्रत्याशी हैं मैदान में, तो उनको कहाँ देखते हैं, किससे मुकाबला मानते हैं अपना? मेरा मुकाबला हुआ बीजेपी से है जी। कौन सा प्रत्याशी? प्रत्याशी वो है नियाल गुजर डाबक। तो अगर सीधी सीधी बात यूं समझें कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला होने वाला है? जी, सीधा सट मुकाबला है उसी से। कोई जनाधार है यहाँ पर, कोई बसपा का भी कोई जनाधार है? जी, कोई टिकट नहीं, ना कोई चुनाव लड़ रहा हूँ। एक दो फॉर्म भरा हुआ हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद रफीक है जो, उसमें फॉर्म निर्दलीय भरा हुआ हमारे साथ लग गए हैं कल से, उनके पूरी मदद करेंगे। हाजी यासीन चंदा के पास उस भी प्रयास करता टिकट के लिए, वो भी हमारे साथ हैं, अभी उनके घर से ही चले आए हैं। जनाब, मुद्दे की बात करते हैं, पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, पार्टी ने टिकट दिया है, तो अगर जनता आपको यहाँ से चुनती है तो कितना विकास होगा? क्योंकि विकास की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जब जनता चुन करके भेज देती है उसके बाद में विकास धरातल पर नजर नहीं आता है। हमारे यहाँ तो ऐसी रवाज है कि विकास हो, जनता के संग जुड़ के रहे, काम हो ना हो बाकी अपनी जी जान पूरी लगा दिए, काम बेबस भी हो जाए बाकी पूरी जनता के संग जी जान लगा दिए, यही हमारे एमएलए के साथ मिलके हम तो पूरी बात यही के सहमत कर रहे हैं। विधायक साहब ने विकास कराया? विधायक साहब ने खूब विकास कराया, बड़ा बड़ा काम विधायक साहब ने कराया हमारे नगर में, सीकरी में जोरदार करवाया काम उसने। बहुत विकास कराया, बहुत। क्या क्या विकास कराया बताएंगे सर थोड़ा? हमारे जो है सीकरी तहसील बना दिया, सीकरी को तहसील में, और वहाँ पर बड़ा 132 केवी का बिजली और चंबल परियोजना की, तो ऐसे मिलजुल के काफ़ी विकास कराया, और भाईचारे को जो मुख्य मुद्दा है उसको बनाए रखा है। तो असल मुद्दे क्या हैं यहाँ पर, जो ये इलाका है जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इनके जो ज़मीनी लेवल के जो मुद्दे होते हैं वो क्या चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं? देखो, यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है, एक तो हमने जैसे घूम रहे हैं यहाँ पर कि रास्ता बहुत ख़राब है, सड़कें बहुत ख़राब हैं, पानी की जो पीने की पानी और सिंचाई के पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिजली अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ें लेकर चल रहे हैं हम विधायक साहब को, और हमारा ऐसा मन है कि हम इलाके में विकास करें, और इसलिए जो जिला परिषद के हम आज कैंडिडेट हैं, अपनी सीट निकालकर भरतपुर लेवल पर भी काम किया जाए, बस यही बहुत सारे मुद्दे हैं। उसके साथ साथ में एजुकेशन, जो कोरोना काल में एजुकेशन का हालत खराब हुई है, उसको भी सुधार का पूरा मन है। तो बलजीत जी विकास कराएंगे ऐसा लगता है? बिल्कुल 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 विकास कराएंगे, जमीन से जुड़े हुए हैं और हर मुद्दे को बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, उठाते हैं, और पूरी उम्मीद है जनता को भी, हम सबको भी विकास कराएंगे, किसी को किसी प्रकार की निराशा हाथ नहीं लगेगी। भरतपुर लेवल पर जब भी मीटिंग हुआ करेगी जिला परिषद में, वहाँ पर अपने जितने भी जरूरी मुद्दे हैं सबको उठाया करेंगे। अच्छा, एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिला परिषद का चुनाव है और जब बात आगे की आएगी कि आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी, तो उसमें कौन कौन सी पार्टियां सामने आएंगी? क्या ऐसा भी है कि निर्दलीय जो यहां से चुन करके जाएंगे जिला परिषद के सदस्य, उनकी कितनी भूमिका रहने वाली है? देखो, यहां पर पार्टी को तो मिलती है, पर उसके साथ साथ में जितने निर्दलीय हैं उनकी भी मुख्य भूमिका रहेगी, क्योंकि जनता कैंडिडेट को ज़्यादा देखती है,
और ऐसा नहीं है कि निर्दलियों की भी पूछ रहेगी और निर्दलियों की भी बातें रखी जाएंगी आगे। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये कहना चाह रहे, राजनीति को बड़े करीब से देखा है, किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तो बड़े बड़े वादे होंगे, बलजीत जी भी आपसे वादे करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद वो चीज़ें हकीकत में नहीं उतर पाती हैं। नहीं, हकीकत में होगी, वो सब होगी। हमसे बलजीत ने वादा किया है। अच्छा, वादा किया? वादा किया है। हम विकास होगा आप लोगों? हाँ, बिल्कुल होगा। जी जनाब, क्या नाम आपका? आमिर जी। किस तरीके से देख रहे हैं आप? युवा हैं जी, क्या कुछ हो पाएगा आप लोगों? इंशाल्लाह विकास होगा पूरी तरह से। जनता का प्यार मिल रहा है, सारी जनता का प्यार है और बहुत अच्छा काम करने की उम्मीद है। विकास होगा पूरा, इंशाल्लाह पूरा विकास करेंगे जी। देखिए, वार्ड नंबर 3 की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार यहाँ से बलजीत जी ही हमारा विकास कर सकते हैं और बलजीत जी ही विकास की मुख्य धारा से इस पूरे इलाके को जोड़ सकते हैं। ये वक्त बताएगा। और भी हमारे साथ ये चुनिंदा लोग, इनसे भी बातचीत करेंगे। जनाब, क्या नाम आपका? सामंतलाल आर्य जी, रिटायर्ड एक्शन जी, दलित वर्ग से आता हूँ। दलित वर्ग की जाटों की वोट सब कांग्रेस के टिकट पर डाली जाएंगी। बसपा का यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है। बसपा का उम्मीदवार होता तब भी वोट कांग्रेस के टिकट पर जाती, क्योंकि यहाँ मेन मुद्दा बीजेपी वर्सेज कांग्रेस है। हमारे फिलहाल वर्तमान MLA जिन पर हमने विश्वास जताया, उन्होंने हमारा विश्वास का कायम रखा है। सीकरी में उप तहसील थी, तहसील बना दी, SDM ऑफिस स्वीकृत करा दिया, 132 का पावर हाउस बिजली विभाग का बनवा दिया और कॉलेज मंजूर हो गई, उसका काम शुरू हो गया। और चंबल प्रोजेक्ट का जो पानी है उसको सीकरी शहर में मिल गया, आसपास के गांवों में सब में पाइपलाइन डल गई। यही एक मुद्दे ऐसे हैं जो धरातल से जुड़े हुए हैं। हमने जो बलजीत भाई पे विश्वास जताया, क्योंकि इसको हम इसके बाप दादाओं को बरसों से देख रहे हैं। सामाजिक जो धरातल की बातें हैं उनको ये समझता है कि भाई हमारे एरिया की क्या मुख्य दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, भाईचारा क्या होता है, भाईचारा कैसे बनाया जाए, ये मुख्य चीज़ें हैं। इसलिए विश्वास जताया है, उम्मीद है कि हम सब मिलकर अपने इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, दलित वोट बैंक खासा अच्छा खासा है विधानसभा में, तो वो किस तरफ जाने वाला है? आपकी वार्ड की बात करें या फिर दूसरे वार्डों की बात करें, कितना फैक्टर साबित होगा ये जो वोट बैंक है? बसपा के अलावा बाकी सभी वोटें कांग्रेस को मिलेंगी। बीजेपी को शायद ही कोई कैंडिडेट वोट देगा, बाकी कोई वोट नहीं देगा। जी जनाब, क्या नाम आपका? मेरा नाम अकबर खान। अच्छा जी, बताइए थोड़ा सा। भाई बलजीत ही सेवा करेंगे, खूब बढ़िया जी। देखिए, ये आवाम है। वार्ड नंबर 3 से बलजीत ने चुनावी ताल ठोक दी है और सीधा सीधे तौर पर पब्लिक का ये मानना है कि इस बार वार्ड नंबर 3 से बलजीत खान को जिता करके भेजना है। लेकिन ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की जो राजनीति है वो एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है और सियासत पूरे तरीके से गर्मा चुकी है। अब ऐसे में प्रचार प्रसार का दौर जारी है, नेता नगरी लगातार जनता के बीच में जा रही है और पूरे तरीके से लोक लुभावने वादे कर रही है। हकीकत में क्या होगा ये वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।